नसरीन जी और महराज जी वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफी वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं। वो रफी साहब की याद में एक बहुत बड़ा फाउंडेशन चला रहे हैं। आज नितिन जी और दक्षा जी ने एक मन बनाया कि हम कुछ रकम इस फाउंडेशन को देंगे। तो आज ये मंच पर नितिन जी एक चेक 11,000 का एक अमाउंट है वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफी वेलफेयर फाउंडेशन के लिए। जोरदार तालियां। इंसान ढूंढे मंदिर मस्जिद, हमने हर रूह में खुदा देखा, एहसास इश्क हकीकी का सबसे जुदा देखा। दोस्तों ये होती है इंसानियत के हम अपने हमारे लिए खुद के लिए तो खर्चे करते हैं, पर हमारे पास जो एक हम जमा करते हैं पूंजी को, वो पूंजी का कुछ हिस्सा अच्छे या नेक कामों में इस्तेमाल करें, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आप में। नितिन जी और दक्षा जी की दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों की अच्छे घर में शादी हो गई है, आज दोनों दामाद भी यहाँ है। मेहुल भाई आप मंच पर आए। ये दोनों बेटियां अपने घर बहुत खुशहाल हैं। अब जिंदगी भर नितिन भाई ने जो कमाया उससे उनका खुद का गुजारा होता है और जो बचती है पूंजी वो नेक कामों में इस्तेमाल करते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। और जब किसी का मन करे कुछ नेक काम करने का, तो आप अनेक काम करते भी होंगे, उनमें से कभी आप वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफी वेलफेयर फाउंडेशन को भी याद कर सकते हैं। इसके लिए आप नितिन जी का कांटेक्ट करें और हम कुछ ना कुछ इसी बहाने रफी साहब को याद करके नेकी का काम करेंगे। दक्षा जी काका जी को और राजेश जी को गिफ्ट दे रही हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, दक्षा जी की बेटी चॉकलेट्स खूब अच्छी बनाती है, घर पे खुद बनाती हैं और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करके अवनी गाला जोरदार तालियां। आज जो मेहमानों के लिए चॉकलेट्स आई हैं वो अवनी ने खुद अपने हाथों से बनाई है। कहवाचे ने मोरना इंडा ने चितरवाना पड़े। माँ बाप अंदर थी कलाकार हो तो बच्चा हो कलाकार थाए ज। तो जोरदार तालियां इनके लिए भी। आज आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हुई है। मैं विनती करती हूँ परदेश भाई।